फुर्ती देखी कहाँ है? प्लीज सुधीर, देखो नानी माँ पहली बार बंबई आ रही है और वो भी अकेली। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और तुम हो कि भाव खा रहे हो। भाव नहीं खा रहा हूँ, पर आते और अंडे खा रहा हूँ। पौने 10 बज गए, चल जल्दी कर, प्लीज जल्दी कर। क्या हुआ, मुंह जल गया क्या तेरा? ठीक हो जाएगा। हाँ तो एक काम कर, मैं ये अंदर रख देती हूँ, तू आके खा ले। मैं भूखा पेट स्टेशन जाऊंगा क्या? कहीं वहां पर जाकर मैं इंतजार करते करते बेहोश हो गया तो? अरे तुझे कुछ नहीं होगा, सुबह से न जाने दूध जूस क्या क्या खा चुके हो, तुम्हारा पेट है कि खत्म ही नहीं। देखो मेरे पेट में नजर मत लगा करो, समझे? समझा तो नहीं तुमने? क्या है, जल्दी जवाब का पे छोड़ देती हूँ। चलो खाने में जरूर जाती हो तो अपने। चलो पहुंच तो गए, आजा अंदर। अरे क्या हुआ? ओफो, इतना से सामान भी नहीं उठा सकता, इसे क्यों भेजा पूनम ने? मैं अकेली ही चली आती, सारा हिंदुस्तान फिर चुकी हूँ अकेले। हाँ चल रख दे सामान इधर। अरे उधर कहाँ चला, इधर रख। पेटी ड्राइंग रूम में रहेगी, पेटी बेडरूम में रहेगी। मेरी पेटी मेरी नजर के सामने रहेगी, जुबान लड़ाता है, चल इधर रख। इसको यहां रख दूं टेलीफोन के पास, बहुत खूबसूरत लगेगा। मुझे चिढ़ाता है, चल उधर रख। ये इधर, ये उधर, और मैं बीच में। आप बीच में नहीं रहेंगी। क्यों? पूनम ने कहा है आप उधर रहेंगी। मैं पूनम की नानी हूं, मैं इधर ही रहूंगी। अरे मेरे लिए गर्म पानी कर। कैसे कैसे लोग कर रखे। अरे मुंडू ये ले, ये मेरी पूनम के लिए मैं मिठाई लाई हूँ, फ्रिज में रख दे ठीक से। हाँ हा? क्या भरोसा इस नौकर जात का, कहीं खा पी कर झूठा ही ना कर ले। हाँ देखो है तो ईमानदार। ए मुंडू पानी रखा या नहीं गरम? क्या 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 आप पुकार क्या रही हैं मुझे? मैं नौकर नहीं हूँ। तो क्या गवर्नर है? मैं पूनम और सुनीता का दोस्त हूँ। नीचे बैठ। नानी माँ पूनम और सुनीता यहाँ घर में अकेली रहती है ना, काम के लिए कोई नौकर भी नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ दोस्त होने के नाते उनकी मदद करने। अच्छा अच्छा, तेरे घर में और कौन कौन है? घर ही नहीं है नानी माँ, पाइप में रहता हूँ। अच्छा अच्छा जा ये ले, ये पान ले आ और मेरा पानी गुसल खाने में रख दे, मैं नहाऊंगी। अच्छा नानी माँ। नानी माँ आपका पानी हो गया। हेलो, नमस्ते नहीं कर सकती जो हिलो हिलो कर रही है? अरे इधर उधर क्या झांकती है, इधर आ। आ इधर मेरे पास बैठ बैठ। अरे डरती क्यों है, मैं तुझे भूत प्रेत नजर आती हूं है? ठीक तरह से देख बेटी। अरे बार बार दांत क्या निकालती है, लड़की जात में इतना हंसना नहीं चाहिए। मैं पूनम की रानी हूं,
उसकी माँ की बुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, और तू सुनीता है ना? जी। हवाई जहाज में दाई का काम करती है। तो सब मालूम है। पूनम की माँ ने बताया था। अब कब आई? क्यों, बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। झूठी, तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मैं आके तेरे सर पे सवार हो गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ। कितना देता है हवाई जहाज वाला तुझे? 1500 रुपए। 1500? किस काम के 1500? घर से तो कुछ कम ही काम करना पड़ता होगा। नहीं नहीं, हमारा काम ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं बुआ। मैं साफ समझती हूँ, बिल्कुल बेशर्मों वाला काम है तुम्हारा। मैं आपको बेशर्म लगती हूँ? नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बहुत शर्माती हूँ। सच, प्लेन में मुझे सब पूछते रहते हैं कि क्यों इतना शर्माती है तू। और तू क्या जवाब देती है उसका? मैं तो शर्म से कुछ कह ही नहीं सकती। ये बता, पूनम क्या क्या करती है? कुछ नहीं करती बुआ, सारा काम मुझी से करवाती है। उसका बाप तो कहता था कि कुछ नौकरी करती है। हाँ वो करती है, वो एड देते है ना पेपर में, इश्तेहार, वो छपाती है। प्रेस में काम करती है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मतलब जो एड में लिखते है ना वो लिखती है। झूठी, एक चिट्ठी तो लिख नहीं सकती, इश्तेहार क्या लिखेगी? तू अपनी सहेली की बढ़ाई कर रही है। कितने दिन के बाद आई? मैं? हाँ, 3 दिन। 3 दिन हवाई जहाज में रही? जापान गई थी, वहां रही और फिर आई। अच्छा अच्छा, चल मेरे लिए एक पान। पान? आप पान खाती है? कह क्यों रही हो? हाँ, ये तो बहुत गंदी आदत है बुआ। अच्छा, तो तेरी तरह लिपस्टिक लगाओ। चल 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 बना। मुझे तो नहीं आता। खाने आता है? मुझे तो पान खाना भी नहीं आता। कैसे खाते हैं? जैसे तू दिमाग खाती है। आप तो यूं ही आई होंगी ना बुआ, बॉम्बे घूमने। सैर सपाटे का मुझे शौक नहीं है। आंख का ऑपरेशन करवाने आई। ओ, क्या हो गया? दिखता नहीं है बुआ, मैं कहाँ हूँ? अंधी नहीं हूँ मैं। कम दिखता है मुझे। तू शादी कब करेगी? मुझे तो शर्म आती है। फिर से शर्माने लगी? मैं जाती हूँ। अरे बैठ ना, अकेले में मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं नहा के आ जाऊँ, एक मिनट में। घर में फैशन की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई देखने नहीं आ रहा है। नहाने में क्या फैशन है? नहाने के बाद ही तो तुम लोग फैशन फैशन करते हो। बेटी, लड़कियों ने सादा रहना चाहिए, सादगी में ही सच्चा सौंदर्य है। एक मिनट, नहा के आती हूँ। ओहो, हवाई जहाज में गर्द होती है क्या? पूनम आ जाए फिर जो जी चाहे करना। तो कौन आया देखना, वो छुटका ही होगा। 3 घंटे लगा दिया। हेलो सुनीता, तू जापान से मेरे लिए वो पतला होने की गोली लाए, those reducing tablets? हाँ, भूल गए। I know, you always forget to bring things for me. ओ, तुम्हें पतले होने की क्या जरूरत है? वैसे भी कितनी स्लिम लग रही हो। सच्ची? कितना रिड्यूस किया? पाव किलो? हाँ, पाव किलो। कैसे किया? Well, सुनीता, I'm in love. किसके साथ? एक लड़का के साथ। And you know, he's so handsome. मेरे साथ टेनिस खेलता है। हाँ, पर अभी तो रिटायर हो गया है। रिटायर? कहाँ है? कम से कम मिलवाऊंगी। जरूर मिलवाऊंगी, पर अभी तो बेचारा हॉस्पिटल में है। हाँ, टेनिस खेलते खेलते उसको लचक आ गया ऐसे। हेलो आंटी, आई एम रूबी। मैं पड़ोस में रहती हूँ, मैं तुम्हारी पूनम की फ्रेंड हूँ। तुम कभी आया? आई, मैं नानी हूँ, नाना नहीं हूँ। हम तुम्हारा कब से इंतजार करता था। हाँ सुनीता, ये पकड़ी कौन है? ये क्या जोक है, हमको सुनाओ ना आंटी। पहले ढंग से कपड़े पहनना सीख। ये क्या फराकड़ी पहन के घूम रही है? हाँ? हाँ? इतनी बड़ी हो गई, बच्ची की तरह फराकड़ी पहन के घूमती है। कितनी उम्र हुई तेरी? सुनीता, I won't stay here to be insulted. I'm going. अरे नहीं रूबी, रुको ना। क्यों? हम ऐसे ही फराक पहनते आए हैं, ऐसे ही फराक पहनेंगे। What do you know about clothes? अरे अंग्रेजी बोल के किसको जा रही है? जा जा, कौन जाने मुझे कौन ख्याल नहीं चाहे, हम जाती हूँ शारी माय। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बुआ। क्यों? वो बुरा मान गई। आहा, आंटी बनाने को तो झट तैयार हो गई थी और आंटी की बात सुनने में आंटी गैर हो गई। हाँ, अभी तक फराकड़ी पहन के घूमती है। उसकी क्या उम्र होगी? पता नहीं। हाँ, 50-55 की तो होगी ही। आपकी क्या उम्र है? मैं 65 से ऊपर ही हूँ।
पूनम की माँ की शादी में मैं 40 की थी, तो हाँ 65 से ऊपर ही हूँ। अरे वाह, लगती नहीं है आप बिल्कुल। मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं उस अभिजन की तरह नहीं हूँ जो अपनी उम्र को छिपाए। होती 40 की है और कहती है 18 की हूँ। तेरी उम्र क्या है? 18, लेकिन मैं 40 की नहीं हूँ। फिर भी 25 की तो होगी। मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी पूनम से छोटी है क्या? ना, पूनम से तो लंबी हूँ। अरे उम्र में? हाँ हाँ, उम्र में तो बहुत छोटी हूँ। बुआ आप चाय पियेंगी? पूनम को आने दे। मैं आपके लिए कोई नाश्ता वा... बस तू यहाँ से खिसकना चाहती है हा? लेकिन याद रख, जब तक पूनम नहीं आ जाती तू यहाँ से नहीं हिलेगी। हाँ, आपने खाना खाया? अब याद आया? बहुत नींद आ रही है बुआ। जापान में नहाई सोई नहीं? जापान में तो जापानी नींद ली, अब हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तानी नींद लेनी चाहिए कि नहीं? जा जा, देख कौन आया। पगली है। हाय सुनो। मुमकिन नहीं है, पूनम की बिल्कुल बात मत करना प्लीज। क्यों? ये तुझे पता नहीं, बिल्कुल लेडी औरंगजेब है। अगर इनको पता चल गया कि पूनम का तेरा कोई चक्कर है तो फिर खत्म, गए। आऊं कि नहीं? कौन है? अरे दरवाजे पर खड़ी खड़ी किसके साथ खुसर-बुसर कर रही है? नहीं हम, बुला उसे अंदर। बाप रे सुनीता, मैं चाहता हूँ तुम पूनम को कहते ना मुझे फोन कर ले। अरे शशि रुक जाना प्लीज। नहीं नहीं सुनीता, मैं नहीं झेल पाऊंगा। अरे मैं झेल रही हूँ इतनी देर से अकेली। क्या हो रहा है? बम्बई में दरवाजे पर खड़े खड़े बात करने का फैशन है क्या? नहीं बुआ, ये मेरे ऑफिसर है, अभी अभी एयरपोर्ट से आए हैं। तो अंदर आके बात नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। ये पूनम की नानी माँ है। ये जीते जीते खुश, अंदर आओ। मेरी पूनम यूं दरवाजे पर बात खड़ी खड़ी करती ना तो मैं उसका खाना बंद कर देती। अरे आइए ना सर, आइए आइए, इन्हें भी अपनी नानी माँ समझिए, आइए। सुनीता इधर आओ, यूं चिपक के बात करने की जरूरत नहीं है, तू इधर बैठ बैठ जी। हाँ क्या पियेंगे सर, चाय या कॉफी? नहीं नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा। अब आ ही गए हो सुनीता को मिलने तो फिर बैठो बैठो जी। हाँ सुनीता से ही मिलने आया हूँ ना। जी 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 जी, तुझसे पूछा मैंने? नहीं इससे। तो फिर तू क्यों बोलती है? ये नहीं बोल सकता क्या? हाँ, नहीं मतलब सर बहुत कम बोलते हैं। तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? तू जाके इसके लिए पानी ले आ। तुम हवाई जहाज में काम करते हो? मैं करता हूँ। क्या काम करते हो? उड़ाता हूँ, उड़ाता हूँ। अच्छा सुनीता को क्या तनख्वाह देते हो? तनख्वाह? मैं नहीं देता, गवर्नमेंट देती है। तुझे क्या देती है गवर्नमेंट? क्या हो गया सर, आप घर जाना चाह रहे हैं? मतलब क्या हो गया बेटा तुझे? पता नहीं सर चकरा रहा है। अच्छा तो फिर ले जा मेरे पास, आ जा। नहीं ये चले जाएंगे अभी, है ना सर? ऐसे कैसे चला जाएगा? नहीं नहीं ठहर, मैं तुझे दवा देती हूँ। खून की खराबी, पेट की खराबी से ही तो सर चकराता है। हाँ ये थोड़ी सी कड़वी है लेकिन चक्कर ठीक हो जाएगा। हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो गया। हाँ नहीं नहीं ऐसे बीमारी को टालना अच्छा नहीं, चलो पी लो। नहीं अरे कुछ नहीं होगा बेटे, पी लो पी लो। नहीं पी ले। पानी ये लो, पानी पी लो जल्दी। बुआ इसमें क्या डाला है? नीम का पत्ता, फटकड़ी, निशादर और अफीम। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ये? अरे मुझे पागल समझ रही है क्या? दवा दी है, जहर तो नहीं दिया। हाँ जा तू उसके लिए कॉफी कर, फायदा ही करेगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बुआ, है ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, एक मिनट। अरे डरता क्यों है, चल उठ इधर ले जा मेरे पास। चल कितने दिनों से दोस्ती है तुम दोनों की? परसों से, परसों से। और दो दिन में घर भी आ गया? जरूरी काम था। मैं सब समझती हूँ। क्या नाम है तेरा? मैं
हरीश हरीश मेरी पूनम को कितने दिनों से जानता है? पूनम? मैं पूनम को नहीं जानता, नहीं जानता हूँ थोड़ा सा। असल में मैं सुनीता का बॉयफ्रेंड हूँ। अरे तू तो कह रही थी कि तेरा अफसर है। है? मतलब थे, मतलब हम दोनों पहले साथ काम करते थे, अब दोस्ती हो गई है ना। शादी कब कर रहे हो? शादी करेंगे करेंगे जब मैं थोड़ी सी मैच्योर मतलब सयानी हो जाऊंगी ना, तब करेंगे। अच्छा ये तो बता, मेरी पूनम का भी कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, पूनम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूनम तो बहुत अच्छी लड़की है, वो तो सिर्फ काम करती है, घर आती है, काम करती है, घर आती है, काम करती है, घर आती है। यही उम्मीद थी, उदार खानदान की लड़की है। हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी के पहले आवारागर्दी नहीं करती। बुआ दोस्ती करने में क्या बुराई है, जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो। तू चुप कर, मैं सब समझती हूँ, तू तो मुझे अपनी फैशन ही सही समझाएगी। चल मैं थोड़ा सा कत्थे में पानी डाल के आती हूँ। सुनीता अब क्या होगा, ये लोग तो पुराने ख्यालात के लगते हैं। अरे तू डर मत, वो तो तुझे मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही है। इसी बात का तो डर है मुझे, अगर उन्होंने ना कह दी तो। तो क्या होगा? अरे हाँ शशि, तो क्या होगा? हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। ये आवारा खब्बीस कौन है? आवारा खब्बीस नहीं है पिताजी, ये तो मेरे वो है। तेरी ये मजाल? हाय पूनम, तूने ये क्या किया, खानदान की नाक कटा दी। माँ जी इसमें नाक कटाने की क्या बात है, मैंने शादी की है इससे। मैं नहीं मानता ये शादी वादी, कान खोल कर सुन लो लड़के, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए अभी फौरन चले जाओ यहाँ से। और तू भी सुन ले पूनम, तू इससे दोबारा नहीं मिलेगी। मिलूंगी मिलूंगी मिलूंगी, हजार बार मिलूंगी, लाख बार मिलूंगी। नहीं शशि, शशि क्या हो गया तुझे? शशि शशि क्या हुआ शशि? अरे इसकी तो तबीयत और खराब हो गई। चल बेटे चल चल लेट जा यहाँ। इसकी तो तबीयत सचमुच ही खराब हो गई, यहाँ लेट जा बेटे लेट जा। शशि सुनीता मैं अब जाना चाहता हूँ। तो जाइए ना सर, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ आप ही रुके हुए हैं। ये सर सर का नाटक क्या लगा रखा है? नानी माँ फोन ले आया मैं। सुनीता तुम कब आए? नानी माँ आपको पान लाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ा मुझे। नानी माँ ये कौन है? ये सुनीता का बॉयफ्रेंड है। सुनीता का बॉयफ्रेंड? पूनम कब तक आएगी? बस आती होगी नानी माँ। सर आप बाजार जा रहे हैं ना, मुझे भी साथ ले जाइए प्लीज, एक मिनट में अभी आई। चलिए सर चलिए। क्यों रे मुंडू? मुंडू नहीं ये? नानी माँ सुधीर मेरा नीचे बैठ। तू इस लड़के को पहचानता है? अच्छी तरह नानी माँ, ये शशांक है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आज तो मुझे भी नजर आया नानी माँ। ये लड़का अच्छा नहीं था मगर आज पता नहीं क्या हो गया। ये दोनों अपना चक्कर पूनम से छिपाए रहे हैं। आज तो ये साफ पता चल गया नानी माँ। सुनीता का चरित्र भी अच्छा नहीं था मगर आज पता नहीं क्या हो गया नानी माँ। और पूनम बेचारी उसके साथ शादी करना चाहती है। अच्छा मुझे आज उसी के लिए यहाँ बुलाया। पूनम को मालूम होगा तो क्या होगा नानी माँ? उसे होशियार करना ही पड़ेगा, आने दे उसे आज। जो आंखों से देखा कानों से सुना वही बता रही हूँ। क्या आंख मटक का चल रहा था दोनों के बीच में, ऐसे चरित्र वाली लड़की के साथ तू रह रही है। नानी माँ आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, आपने ठीक से पहचाना वही था। तू भी सुनीता की तरह मुझे अंधी समझती है? अरे तेरी भेजी हुई तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता चेहरा था। मैं समझ रही थी लेकिन इसीलिए चुप रही कि देखूं आगे आगे क्या करते हैं ये लोग। अब मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी जाके, बिचारी ने कितने शौक से मुझे भेजा था यहाँ। मुझे भी ताज्जुब है सुनीता ने ऐसा क्यों किया। अरे मत रो बेटी मत रो, आजकल के छोकरे ऐसे ही होते हैं, फैशन जो है। अरे देखना थोड़े ही दिनों के बाद सुनीता को भी छोड़ देगा। मत रो पूनम, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, आने तो दो सुनीता को फिर। लो आ गए। हाय कहाँ गए थे तुम दोनों? बाजार।
या पिक्चर? पूनम अब पूनम एक मैं जानती हूँ तू मुझे उस कोने में ले जाकर क्या कहने वाली है। अच्छा तू कब से अंतर्यामी हो गई? ये तो हमारे मन की बात भी जानती है। सुनीता तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो अच्छा हुआ कि नानी माँ ने सब कुछ मुझे बता दिया, वरना तुम दोनों तो मुझे से छुपा रहे थे। और क्या करते? तुम्हें पता है कि नानी माँ तुम्हें ही देखने आ रही थी मेरे लिए। क्या नानी माँ मुझे देखने आई थी? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। काम का ऊपर से मुझे कड़वी दवाई भी पिलवा दी। पूनम पूनम तुझे तो गलतफहमी हो रही होगी ना। देख पूनम ऐसी को वाह कितनी अच्छी दोस्ती निभाई है तूने। ओ माय गॉड पूनम नानी माँ अब पूनम पूनम देख समझ के हम मैंने तुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। हाँ किसके लिए? आपसे और किससे? पूनम देख प्लीज समझ जा शशांक और मेरे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। नानी माँ मैं तो तेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तू है कि तुम्हें हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? बेचारे को खाम का ऐसे ही रुला दिया। मैं क्या करूं? किसने ही मुझे तुम दोनों के खिलाफ भड़काया था? हाँ that's right तुम्हें तो सब सच मालूम था, तुमने नानी माँ को क्यों नहीं बताया? सिद्धू तू तुझे तो मेरे और पूनम के बारे में सब कुछ पता था ना। मैं बड़ों के बीच में नहीं पड़ता। लो सुनो। क्या सुने? सारी गलती तो आप ही की है। आपने इस बिचारी को क्यों डरा दिया? हाँ नहीं तो मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ। पता है इन्होंने मुझे ऐसी तकियानुसी बातें सुनाई, कहा कि शर्म लड़की का गहना है, लड़की को दांत नहीं निकालने चाहिए, लड़की को लड़के के साथ दरवाजे पे बात नहीं करनी चाहिए, ये सब कहा मैं तो डर गई। इसमें क्या गलत कहा था? अगर आप मुझे देखने आई थी तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं? तूने मौका कब दिया? दरवाजे पर ही खुसुर फुसुर हो रही थी, पूछा तो कहती ऑफिसर है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सब गलत फहमी है। तो इसमें गलती किसकी है? इसी की। पल पल में यूं बीते पल 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 में हो जाए